चीज जो मैं आपको राडो के बारे में बताने वाला था वो मैं अभी बता रहा हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। और आज जो अभी मौसम तो बारिश वाला ही होके रखा है, और ये तो बेस्ट टाइम है महाराष्ट्र में घूमने का। लेकिन यू नो, आपको पता ही होगा कोविड की सिचुएशन के हिसाब से अभी जो महाराष्ट्र में टूरिज्म है वो इतना ओपन हुआ नहीं है, और वो छुपके छुपके से जो घूमने का जो मतलब है वो भी नहीं है। तो वी आर प्लानिंग टू गो समवेयर। अभी जो प्लेस है वो डिसाइड नहीं हुआ है। अभी आज रात को हम सोच रहे हैं कि हम निकल जाएंगे, तो देखते हैं कि कितने बजे हम निकलते हैं। और मतलब लाइक अर्ली मॉर्निंग ही ट्राई करेंगे, और फिर जाएंगे कहीं। देखते हैं क्या प्लानिंग बनता है क्या नहीं, बट बहुत सारी प्रिपरेशन है जो अभी करने की है। और आई थिंक वी आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेट्स गो। और दोस्तों दूसरी चीज़, आप लोग मेरे को ये भी बताओ कि आप लोग को ये जो मेरा जो नया लुक है वो कैसा लग रहा है। मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत काइंड ऑफ एनर्जी वाला लग रहा है। अभी बहुत सारी एनर्जी आ गई है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने घूमेंगे। मानसून का सीज़न तो अपने जियेंगे अच्छी तरीके से। अभी जस्ट होप कि ये कोविड का जो सिचुएशन है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और आप लोगों को मेरी लद्दाख की सीरीज़ जो है वो पूरी ख़त्म करके आपको कैसा लग रहा है, और कितने वीडियोस आपने देखे नहीं देखे। अगर नहीं देखे तो फिर जाओ जाके लद्दाख की सीरीज़ देखो गाइस, बहुत मज़ा आएगा, और नई सीरीज़ आप लोगों के लिए तैयार है। सो बाय द वे, आई एम टेकिंग ऑल दिस गैजेट्स। जो पूरे गैजेट्स है वो यहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए हैं। अभी बहुत सारा जो सामान है वो भी आया हुआ है। ये जो है वो ड्रोन के जो प्रोपेलर्स है वो टूट गए थे, तो अभी वो लगाने हैं। अभी हमारे पास है ड्रोन यहाँ पे। अभी ड्रोन के आप देखोगे तो जो प्रोपेलर्स है वो टूट गए। मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। देखो आप ये वाला जो है फोकस हो जाए यार, तो आप देखोगे कि देखो ये वाला जो ड्रोन का जो प्रोपेलर्स है वो टूट गया। तो ये जो ड्रोन के जो प्रोपेलर्स है उसको ठीक करने पड़ेंगे। यहाँ पे भी आप देख रहे होगे कि ये भी टूट गया, ये लद्दाख सीरीज़ में टूटा हुआ है, और यहाँ पे भी। तो इसके जो नए प्रोपेलर्स है वो आ गए हैं, तो ये लगाएंगे आज। और दूसरा ये कैमरा का क्लीनिंग भी करेंगे। बाय द वे, मैंने कैमरे को सर्विस तो करवा दिया था। इसके अंदर मेमोरी कार्ड है, तो मेमोरी कार्ड भी अभी तो नया हो गया है। तो अभी ये सब पूरा चीज़ जो है उसको ठीक करेंगे आज के पूरे दिन के अंदर। बैटरी को चार्जिंग में भी रख दिया है। अभी नाउ जस्ट लेट्स हैव अ ब्रेकफास्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने इसके जो पंखे हैं वो निकाल दिए हैं जो टूट गए हैं। अभी मैं चारों के चारों जो पंखे हैं वो निकाल रहा हूँ। अभी इसका जो स्क्रू ड्राइवर है वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने ये अपने घर में जो स्क्रू ड्राइवर था उसको यूज़ करके अभी ये जो पंखे हैं वो रिप्लेस। तो दोस्तों अभी ये जो पूरा सामान है वो फाइनली तैयार हो चुका है। तो ये बैग में पूरा जो कैमरे का सामान है वो सब जाएगा, जो पूरा लेंस और वो सब जो चीज़ें हैं वो सब जाने वाली है। और इसके अंदर ड्रोन है, ड्रोन जाएगा। इसके अंदर गोप्रो का सब सामान जो है वो जाने वाला है। इसके अंदर लैपटॉप और वायर बाकी की जो है वो जाएंगे, और ये भी गोप्रो का सामान जो है उसके अंदर अभी ये सब जाएगा। तो ये सब अभी पैक कर दिया है। वहाँ पे ट्राईपोड है, वो ट्राईपोड भी ले लेंगे। और ये सब पैक करके अभी बस अभी टाइम जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और 1 मिनट, टाइम हुआ है 2:25। तो अभी हम लगभग लगभग अराउंड 10 से 15 मिनट में हम निकल जाएंगे। तो दोस्तों सारी चीज़ें जो है वो तैयार हो चुकी है, और मैं भी रेडी हो चुका हूँ। और अभी टाइम हुआ है 2:28, मतलब कि 2:30 बज चुके हैं। और लास्ट पावर बैंक अभी लेने की है, बस अभी वो चीज़ लेंगे और राडो प्लूटो को बांध देंगे, क्योंकि इस बार राडो और प्लूटो को भी लेके जाने का है। और एक एक्चुअली में बहुत बड़ी सैड न्यूज़ भी बोल सकते हो, गुड न्यूज़ भी बोल सकते हो, मिक्सचर ऑफ सैड और गुड न्यूज़ है जो राडो के रिलेटेड है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। तो
आपको मैं आगे जाके बताता हूँ कि क्या एक्चुअली में क्या क्या न्यूज़ है। अभी बस अभी घर से बाहर निकल रहे। पूरा बैग बहुत ज़्यादा है, दो बैग बड़ी वाली है और ये सब मैंने जो आपको बताया वो सब बैग अभी हम लेके जा रहे हैं। अभी दोस्तों बारिश जो है वो शुरू हो गई है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं गिर रही लेकिन गिर तो रही है। तो अभी पहले यहाँ पे क्लीन करेंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे। तो ये जो ट्रिप मीटर है वो हमने ज़ीरो कर दिया है और अभी बस मॉर्निंग का टाइम है। आई थिंक लेट हो गया थोड़ा, बट अभी बस मॉर्निंग का टाइम है, अभी वी विल जस्ट गो। दोस्तों ये ब्रिज जब आता है ना तब दो तरीके की खुशी होती है। पहली खुशी के हम सिटी से बाहर निकल रहे हैं, दूसरी खुशी के ये जो ब्रिज का जो लुक है ना यार, अमेजिंग अमेजिंग यार, मतलब जो लाइट्स और वो सब जो है ना एकदम बहुत ही प्यारा दिखता है। अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग का टाइम हुआ है 6:47 और हम घूम रहे हैं भिवंडी में। ये पता नहीं गूगल क्यों इस तरीके से रास्ते से लेके आया, थाने वाला रास्ता आया ही नहीं पता नहीं, मतलब हम थाने वाले रास्ते पे ही थे लेकिन ये भिवंडी वाले रास्ते पे लेके आया। अभी हम यहाँ से जो NH 41 है, 48 सॉरी, उसको कनेक्ट हम करेंगे। अभी देखना पड़ेगा यार, बहुत अलग टाइप का रास्ता दिखाया है। थोड़ा कहीं रुकते हैं और फिर आपको बात करते हैं आराम से। दोस्तों एक गजब का व्यू दिखा रहा हूँ, मतलब गजब का मतलब चुंबेश्वर व्यू है एकदम अच्छी तरीके से। मैं दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। वाह क्या मतलब क्या दिख रहा है यार, मतलब पूरा जो पहाड़ है वो क्लाउड्स के अंदर है और यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत ही ज्यादा। अमेजिंग अमेजिंग मस्त नजारा। तो फाइनली अभी वापी आ चुके हैं। सो अभी टाइम हुआ 10:49 और हमने ये जो एक मिनट ये जो खमन है खमन खाए और अभी नाउ हमें जो खाने थे वो तो नहीं मिले लेकिन ये कोई दूसरा कुछ नया ही मिल गया। लेकिन अभी अभी हम जा रहे हैं, अभी अभी हम यहाँ से अभी सीधा खड़े रहेंगे सूरत है ना। तो दोस्तों देखो बीच में ऐसे गंदे वाले पैच भी आते हैं, बहुत खराब रास्ता है बीच बीच में। तो
ये ब्रिज का काम चल रहा है आई थिंक, और यहाँ पे एक बार हाईवे वो बन जाएगा जो नया वाला बनने वाला है, वो नया हाईवे बन जाएगा ना, फिर उसके बाद तो ऐसे रॉकेट की तरह गाड़ी जाएगी। ओके सो अभी फाइनली हम आ चुके हैं सूरत के नज़दीक। सूरत के अराउंड 20-30 किलोमीटर दूर है हम, और बस अभी खाने का टाइम हो गया, तो यहाँ पे हम ये सब चीज़ें जो है वो हम खा रहे हैं, और खाने के बाद आपको मिलते हैं पूरा डिटेल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी की जो हालत हुई है, गाड़ी की हालत इतनी गंदी हुई है, इतनी गंदी हुई है, मतलब दिख भी नहीं रहा है इतनी इतनी गंदी हुई। और हम यहाँ पे रुके थे, खाना बहुत ही अच्छा है, ये सासू माँ है, और जो ये मतलब रास्ता जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन अभी गर्मी गर्मी जो है वो गिरना शुरू हो गई, और अभी गर्मी के अंदर गाड़ी चलाना मतलब वो थोड़ा एक टास्क है। अभी आप बोलते होंगे कि भाई यार निशांति तो एसी भी होता है, पर कैसा होता है कि जो एसी इस टाइम पे बहुत गलत काम करता है, क्योंकि गर्मी में जब एसी शुरू होता है तो नींद आना शुरू हो जाती है, तो इसीलिए विंडो जो है वो खुले रखते हैं। तो बस अभी बस कम्प्लीट करके बस हम निकलेंगे, बट ये जो व्यू है वो आप व्यू बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो अच्छी तरीके। तो अभी हम आ चुके हैं भरूच, और ये भरूच वेलकम टू नर्मदा सेक्शन आप देख सकते हो। अब ये नर्मदा ब्रिज से हम जाएंगे। फाइनल चीज़ जो मैं आपको राडो के बारे में बताने वाला था वो मैं अभी बता रहा हूँ। अभी हम अहमदाबाद बड़ोडा एक्सप्रेस हाईवे पे है, और दोस्तों इमोशनल चीज़ ये है कि हम राडो के लिए एक नया घर ढूंढ रहे हैं, एक नई फैमिली ढूंढ रहे हैं, जो फैमिली राडो को फॉस्टर कर पाए, राडो को रख पाए, क्योंकि हमारा जो कंटिन्यूसली जिस तरीके से हमारा ट्रैवलिंग होता है, तो उसके हिसाब से राडो का जो क्या है कि मतलब साथ में इतना ट्रैवलिंग करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और हॉस्टल में भी रखना इज़ लाइक नॉट गुड। सो इसलिए अभी हम एक फैमिली को मिले जहाँ पे हमने राडो को दिया है थोड़े दिनों के लिए, तो देखते हैं कि राडो कितनी अच्छी तरीके से रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वी हैव टू टेक बैक, बट यार मतलब लाइक दिल में ऐसा लग रहा है कि यार मतलब लाइक यार क्या करूँ, मतलब बट क्या करें यार, अभी कैसा है कि जिस तरीके की पूरी प्रायोरिटीज़ है और जिस तरीके की सब चीज़ें हैं उसके अंदर दो डॉग्स को साथ में रखना इट्स लाइक डिफ़िकल्ट। सो दैट इज़ द रीज़न ये जो टफ वाला स्टेप है वो हमें लेना पड़ रहा है। अभी एक्चुअली मैं अराउंड आधा एक घंटा और लगेगा अहमदाबाद आने में, लेकिन बस गाइज अभी लाइक 30 आवर्स से जस्ट नमो मुझे बता रही थी, हम कल सुबह में 11 बजे उठे थे राइट नमो, और 10 बजे उठे थे, और फिर 10 बजे उठने के बाद वीडियो को एडिट किया, वीडियो को अभी तक अपलोड भी नहीं किया लद्दाख का, और फिर उसके बाद ऑफिस का काम ख़त्म करके फिर सुबह में 4 बजे हम निकले हैं, और अभी शाम के अराउंड 7 बजने आए हैं, एंड इट्स मोर देन 30 आवर्स वी आर अवेक। दोस्तों तो ये क्राउडेड अहमदाबाद के अंदर आपका स्वागत है, और अभी का टाइम हुआ है 6:53, और आधा घंटा दिखा रहा है यहाँ से, मतलब कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, लेकिन ट्रैफिक तो है अभी दिख तो रहा है। तो अभी लेट्स सी कि अभी हम कितने बजे तक घर पहुँचते, लेकिन 7:30 बजे तक घर पहुँच जाने चाहिए, और अभी पता नहीं अहमदाबाद में आके ही कुछ अलग टाइप सी एनर्जी जो है वो हमें आ गई है, और अभी आपको गेस करना है
कि हमारा जो अहमदाबाद के बाद का जो डेस्टिनेशन जो है वो कौन सा होने वाला है, तो आप गैस करो कि वो डेस्टिनेशन जो है वो कौन सा हो सकता है। और बस जो सही गैस करेगा उसको हम कुछ सरप्राइज देते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ सरप्राइज वाउचर देते हैं अपना, है ना। तो बस अपना जो ब्लॉग है वो यहाँ तक ही रखते हैं। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड यस अगर आप किसी को जानते हो जो राडो को पोस्टर कर सकता है तो यू कैन गिव अ लीड्स इन आवर कमेंट सेक्शन।